हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ आपकी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर करीमा। और इस चैनल पे हम बात करते हैं स्किन केयर एंड हेयर केयर के बारे में, और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट स्किन केयर एंड हेयर केयर। सो आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाली थी अबाउट ओरल सनस्क्रीन्स, और उसके बाद मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आए थे। देर आर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस अबाउट ओरल सनस्क्रीन जो लोगों ने डीएम्स में डाले थे। सो आई थॉट व्हाई नॉट लेट्स मेक अ वीडियो अबाउट इट एंड टेल यू गाइज अबाउट ओरल सनस्क्रीन। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई चैनल विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड दिस वे आई विल ऑलवेज बी मोटिवेटेड टू यू नो सर्व यू गाइज ओवर हियर एंड टेल यू ऑलवेज लाइक टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट स्किन केयर एंड हेयर केयर। सो स्टार्टिंग विद द वीडियो, मैं आंसर करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट ओरल सनस्क्रीन जो मुझे पूछे गए थे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे कॉमन क्वेश्चन से जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है, दैट व्हाट आर दीज ओरल सनस्क्रीन। सो जो ओरल सनस्क्रीन होते हैं वो कोई फैंसी चीज़ नहीं है, बट दीज आर वेरी नॉर्मल एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को आपकी बॉडी में रिड्यूस करते हैं, विच इज़ क्रिएटेड बाई फोटो, दैट मीन्स लाइट दैट कैन बी यूवी रेडिएशन, इंफ्रारेड लाइट या फिर विजिबल रेज, एंड दैट्स हाउ इट प्रोटेक्ट्स योर स्किन फ्रॉम द हार्मफुल रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हाउ डज इट वर्क। एक्चुअली ये जो ओरल सनस्क्रीन्स होते हैं, ये आपके जैसे मैंने बताया ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बॉडी में रिड्यूस करते हैं, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स को इन्हेंस करते हैं, दैट वे ये फोटो एजिंग को कम करते हैं, एंड एज एन एंटी एजिंग मैकेनिज्म भी आपको हेल्प करते हैं। सो ऑल इन ऑल लाइट के जितने भी हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं लाइक यूवी रेडिएशन, उनको रिड्यूस करते हैं। सो नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन इज व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स जो ओरल सनस्क्रीन्स में डाले जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो ओरल सनस्क्रीन का पार्ट होते हैं, जैसे एस्टाजेंथिन, जियाजेंथिन, पॉलीपोडियम, विटामिंस, लाइकोपीन। सो ऑल दीज थिंग्स यू नो फॉर्म अ पार्ट ऑफ ओरल सनस्क्रीन्स। सो नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ओरल सनस्क्रीन, क्योंकि टॉपिकल जो लोग लगाते हैं वो ये पूछ रहे हैं कि ओरल सनस्क्रीन का बेनिफिट क्या है, या जो लोग नहीं लगाते हैं वो ये पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ ओरल सनस्क्रीन हम ले सकते हैं। सो सारी चीज़ें मैं आंसर करने वाली हूँ, बट ओरल सनस्क्रीन के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, एज इन उसमें ऐसा ये नहीं होता कि आपको बार बार हर 2 से 3 घंटे में रिपीट करना है जैसे टॉपिकल सनस्क्रीन्स में होता है। एक यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि टॉपिकल सनस्क्रीन में हमेशा एप्लीकेशन का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, कहीं यूनिफॉर्मली अगर अप्लाई नहीं हुई तो वो प्रॉब्लमेटिक होती है, और ये हमेशा एक एडिटिव मेजर की तरह यूज़ होता है। दैट मीन्स आपको टॉपिकल सनस्क्रीन तो लगाना है, एंड उसके साथ साथ आपको ये ओरल सनस्क्रीन्स भी आप खा सकते हो, जिससे एडिटिव प्रोटेक्शन मिलेगा, एंड या दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो बेनिफिट्स ऑफ ओरल सनस्क्रीन में ये भी आता है कि एक पूरी एक सिस्टमिक ओवरऑल यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन देता है बॉडी को, एंड दैट्स हाउ आपके जितने भी साइड इफेक्ट्स होते हैं थ्रू द लाइट्स वो रिड्यूस होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इज इट सेफ टू यूज ओरल सनस्क्रीन। जनरली इट इज वेरी वेरी सेफ टू यूज ओरल सनस्क्रीन, बट यू शुड ऑलवेज गो टू योर डर्मेट, उनको दिखाना चाहिए और आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर करना चाहिए, एंड दे कैन गिव यू अ पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन अबाउट इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं लोग कि ओरल सनस्क्रीन का क्या कोई साइड इफेक्ट है, सो लेट मी टेल यू ऑल, देर आर नो पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ ओरल सनस्क्रीन। इट दीज आर ओनली विटामिंस जो आपकी स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव भी करेंगे, डैमेज तो कहीं से भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि क्या आप टॉपिकल सनस्क्रीन स्किप कर सकते हो अगर आप ओरल सनस्क्रीन ले रहे हो। देन लेट मी टेल यू ऑल, नो, इट्स अ बिग नो। आपको टॉपिकल सनस्क्रीन तो लगाना है, एंड एवरी 2 आवर्स रिपीट करना है, आपको फिजिकल प्रोटेक्शन करना है। जो भी ओरल सनस्क्रीन का काम होता है वो एडिटिव होता है, एडिशन में होता है, सो यू विल नॉट स्किप योर ट्रेडिशनल सनस्क्रीन्स एट ऑल। तो नॉर्मली क्या होता है कि आपको टॉपिकल सनस्क्रीन्स को एवरी 2-3 आवर्स में रिपीट करना होता है, तो जब भी आप ओरल सनस्क्रीन्स लेते हो तो एक ये सिक्योरिटी रहती है कि कभी अगर आप भूल गए तो वो आपको एक ओवरऑल प्रोटेक्शन देगा और आपकी बॉडी को टैन नहीं होने देगा, आपकी बॉडी को और ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं होने देगा, बट दिस ऑप्शन डजेंट कम टू यू ऑलवेज, सो अप्लाई योर ट्रेडिशनल सनस्क्रीन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ डू वी टेक ओरल सनस्क्रीन्स। तो ओरल सनस्क्रीन जब भी लेना होता है आप बाहर निकलने के सन एक्सपोजर के 30 मिनट्स बिफोर, जैसे आप ट्रेडिशनल सनस्क्रीन्स लगाते हो वैसे ही ओरल सनस्क्रीन की टैबलेट्स ले सकते हो, एंड इट इज़ गोइंग टू गिव यू द बेनिफिट। तो वीडियो एंड करने से पहले आई विल गिव यू ऑल फ्यू ओरल सनस्क्रीन रिकमेंडेशंस, जिसमें सबसे पहला है हीलियोकेयर टैबलेट्स, दूसरी है यूवीएच की सनस्क्रीन, एंड तीसरी है टैबलेट पॉलीब्लॉक।
तो इन तीनों को आप टैबलेट फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हो एंड यू कैन गिव योर स्किन एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन बिफोर स्टार्टिंग दीज टैबलेट्स. यू कैन ऑलवेज गो टू योर डर्मेट, यू शुड ऑलवेज गो टू योर डर्मेट, शो देम देयर स्किन एंड देन स्टार्ट योर टैबलेट्स. आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो. अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए एंड शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. एंड आई विल गेट बैक वेरी वेरी सून विद नेक्स्ट वीडियो वेयर वी विल टॉक मोर अबाउट स्किन एंड हेयर. टिल देन यू कैन ऑल्सो लीव रिकमेंडेशंस ऑफ माई नेक्स्ट video and I will try to make that video. Take care.